हेलो फ्रेंड्स, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल के बजट को लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी देखी जा रही है। इस साल के बजट के बाद शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसकी जानकारी लेकर आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं DVP इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट फ्रॉम एंजल ब्रोकिंग मिस्टर ज्योति रॉय। सो हाई ज्योति, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो ज्योति, अभी जैसे यूनियन बजट डिक्लेयर होने वाला है अपकमिंग डेज में, तो उसको लेकर आपके अभी क्या व्यूज है ओवरऑल? देखिए, जो फोकस है यूनियन बजट में, जब एक्चुअली अगर आप देखिए, जब पैंडेमिक हुई थी तभी गवर्नमेंट को काफ़ी स्पेंडिंग करने की ज़रूरत थी, बिकॉज आपको मालूम है कि प्राइवेट जो कंजम्पशन था, काफ़ी जॉब लॉसेज हुए थे, तो प्राइवेट कंजम्पशन काफ़ी वीक हो गई थी एंड गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि वो उतना स्पेंडिंग नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। बट जैसे जैसे लास्ट 3 महीने में एक्चुअली है, तो वो काफ़ी चेंज हो चुका है, बिकॉज आर इकोनॉमी हैज़ बाउंस्ड बैक वेरी स्ट्रांगली, बिकॉज वी हैवेंट हैड अ सेकेंड वेव ऑफ कोविड। तो हमारा इकोनॉमी पूरा प्री कोविड लेवल पे आ चुका है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज काफ़ी बढ़ चुके हैं पहले से। आप देखिएगा GST कलेक्शन 3rd quarter का देखिएगा, YOY ग्रोथ हुई है, ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ, 8% काइंड ऑफ ग्रोथ फॉर 3rd quarter ऑफ FY21। सो नाउ ऑल ऑफ अ सडन द व्यू इज दैट कि गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंडिंग करने वाली है, जो कटबैक इन स्पेंडिंग किया था गवर्नमेंट अभी स्पेंडिंग करने वाली है। लास्ट ईयर देखा तो गवर्नमेंट का बजट एस्टिमेट था कुछ 30 लाख करोड़ रुपए का वो स्पेंडिंग करेंगे, तो वी थिंक दैट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड इन लाइन, जो उनका बजट एस्टिमेट था वो काफ़ी स्पेंडिंग करेंगे, और उनका जो स्पेंडिंग है वो क्लियरली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा, हाउसिंग में फोकस रहेगा, रूरल इकोनॉमी में फोकस रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस रहेगा, एंड वी ऑल्सो बिलीव दैट कि उनका ऑटो सेक्टर के ऊपर भी काफ़ी थोड़ा बहुत कुछ फोकस रहेगा। सो एसेंशियली ऑल द सेक्टर्स विच आर एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स, सो वी बिलीव दैट ओवरऑल दिस बजट इज गोइंग टू बी गुड। आई मीन इट्स नॉट गोइंग टू बी एज बैड एज वॉट पीपल वर एक्सपेक्टिंग, दे आर एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट कटबैक इन एक्सपेंडिचर विच शुड हैव बीन नेगेटिव, बट गवर्नमेंट अभी काफ़ी खर्चा करने वाली है, काफ़ी स्पेंड करने वाली है, विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट फिजिकल डेफिसिट इज ऑफकोर्स गोइंग टू बी अराउंड 6.5 to 7% फॉर FY21, बट दैट इज एसेंशियली समथिंग इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशंस, एंड सो वी बिलीव दैट इट्स जनरली गोइंग टू बी अ गुड बजट। ओके, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि पैंडमिक कंडीशन के बाद कुछ सेक्टर स्टिल अभी भी बूम करने वाले हैं, मतलब मार्केट में अभी भी अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाले ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स एनलिस्ट कर सकते हैं जिससे हमारे ट्रेडर्स को आने वाले टाइम पर रिसर्च कम और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के मौके ज़्यादा मिले? जी हाँ, देखिए, हमारा कहना था कि जैसे सरकार का विल गो सेक्टर बाय सेक्टर, जैसे हमने कहा था कि गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग पे, तो हमारे पास ऐसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग रिलेटेड दो सेक्टर है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग में जो वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट है वो है सीमेंट जाती है, सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द सीमेंट सेक्टर, तो हमें लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट इज समथिंग विच वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन इन द सीमेंट सेक्टर, बिकॉज वी बिलीव इट्स अ गुड प्ले ऑन बोथ रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी लाइक जेके लक्ष्मी सीमेंट, एंड हमारा हाउसिंग के लिए आपका काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे वी आर प्लेइंग हाउसिंग थ्रू अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कॉल्ड LIC हाउसिंग फाइनेंस, सो वी लाइक LIC हाउसिंग फाइनेंस एंड वी हैव रिकमेंडेड इट एज पार्ट ऑफ अ बजट पिक्स। फिर उसके बाद हमने कहा कि गवर्नमेंट का आपका काफ़ी फोकस रहने वाला है यू नो मैन्युफैक्चरिंग के तरफ, रूरल इकोनॉमी के तरफ, तो जैसे रूरल इकोनॉमी में काफ़ी जैसे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहा है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन डबलिंग फार्मर्स इनकम, सो वी हैव 2 stocks फ्रॉम देयर, वन इज एस्कॉट्स एंड अनदर वन इज कोरोमंडल इंटरनेशनल। सो एस्कॉट्स लिमिटेड ट्रैक्टर बनाती है एंड दैट इज प्रोडोमिनेंटली यूज इन फार्मिंग, एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल आपका जो फर्टिलाइजर होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स बनाते हैं, सो दीज आर अगेन 2 sectors स्टॉक्स विच आर अ गुड प्ले ऑन योर द एग्री रूरल इकोनॉमी। एंड ऑटो सेक्टर में वी डू हैव अ फ्यू स्टॉक्स, लाइक हमारे पास अशोक लेलैंड है विच इज अ प्ले ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी, प्लस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जितना आपका गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका MHCV का डिमांड बढ़ेगा, वो जो ट्रैक्टर ट्रेलर्स होते हैं, सो दैट्स वाई वी हैव अशोक लेलैंड विच यू बिलीव इज अ गुड प्ले नॉट ओनली ऑन द इकोनॉमिक रिकवरी बट ऑल्सो ऑन द प्ले ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, एंड सिमिलरली वी हैव NRB बैरिंग्स जो कि आपका ऑटो सेक्टर को आपका बैरिंग सप्लाई करती है, एंड दे आर अ सप्लायर टू अक्रॉस ऑल, दे आर अ सप्लायर टू 2-wheelers, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स, MHCV, सो NRB बैरिंग इज अ स्टॉक ऑल्सो विच वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन,
एंड अलॉन्ग विद दैट देखिए इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांगली रिबाउंड कर रही है, तो वहाँ पे MHCV में भी हैव ऑल्सो अनदर फाइनेंशियल विच इज़ अ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, सो वी आर ऑल्सो पोरेडिव ऑन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। वो आपका जो यूज ट्रक फाइनेंस है वो आपका ट्रक फाइनेंस करती है एंड प्रिडोमिनेटली जो सेकेंड हैंड ट्रक फाइनेंसिंग करती है। सो अगर MHCV साइकिल आपका टर्न होता है देन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट साइकिल एंड दैट्स वाई वी आर पोरेडिव ऑन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। एंड इंडिया में ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो प्रिटी पॉजिटिव ऑन द कंज्यूमर स्पेस बिकॉज गवर्नमेंट का काफ़ी स्पेंडिंग रहेगा तो GDP ग्रोथ होगी तो गवर्नमेंट लोगों का हाथ में पैसे बढ़ेंगे एंड वी बिलीव दैट देर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग। तो वहाँ पे हमारे पास वी हैव गॉट थ्री स्टॉक्स इन द कंजम्पशन स्पेस। वन इज योर पेज इंडस्ट्रीज विच इज प्रिडोमिनेटली यू नो आपका जो क्या नाम है इंडिया दे आर द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द जॉकी ब्रांड इन इंडिया। देन रेडिगो खैतान विच इज एसेंशियली यू नो सॉर्ट ऑफ अ लिकर कंपनी एंड वो आपका काफ़ी प्रीमियमाइजेशन कर रही है एंड इट्स ऑल्सो अ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है एंड जैसे ऐसे मतलब इकोनॉमी अच्छा करेगा तो वी बिलीव यू नो दिस सेक्टर विल डू वेल एंड रेडिको खैतान इज वी बिलीव इज द बेस्ट प्लेयर ओवर देयर। एंड फाइनली वी हैव गॉट वर्लपूल इंडिया जो कि आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है एंड सबको मालूम है कि वो फ्रिज वॉशिंग मशीन के लिए तो फेमस ही है, अभी वो डिश वॉशर्स एंड अदर यू नो वाइट गुड्स में आ रही है। सो वर्लपूल इंडिया इज ऑल्सो देयर विच इज़ पार्ट ऑफ अ यू नो सॉर्ट ऑफ अ बजट रिकमेंडेशन पिक्स। सो ये सारे कुछ यू नो स्टॉक्स है विच आर अ प्ले ऑन दोज फोर और फाइव सेक्टर्स वेयर वी आर पॉजिटिव ऑन। ओके तो स्पेसिफिकली अगर हम सेलिंग की बात करें, जैसे ये तो अच्छे, अगर बिल्कुल बजट के अनाउंसमेंट के बाद कुछ स्टॉक्स ऐसे हों जिसे इमीडिएटली बेच कर ट्रेडर्स अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं या उन्हें बेच देने चाहिए फॉर अ लॉन्ग रन, ऐसे कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन आपके पास हों जैसे यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द पॉजिटिव ग्रोथ? ऐसे देखिए अभी यहाँ से क्या होगा ना, देखिए अभी यहाँ तक जो हमारा जो मानना है एज सच वी डोंट हैव आई मीन आई विल नॉट हैव एनी रिकमेंडेशंस एज सच, बट जनरली यहाँ पर हम लोग रूल ऑफ थंब देते हैं। देखिए यहाँ तक आपके पास काफ़ी सारे ऐसे देखिए दिस रैली हैज बीन वेरी फास्ट, स्पेशली अगर आप देखिएगा अक्टूबर से अभी तक बिफोर वी हैड दिस 1000 पॉइंट करेक्शन निफ्टी कुछ 1000 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 25-26% बढ़ गई थी 3-4 महीने में। सो इन दैट केस व्हाट हैड हैपेंड इज अ लॉट ऑफ यू नो गुड क्वालिटी स्टॉक्स हैव मूव्ड आउट बट अ लॉट ऑफ द बैड क्वालिटी स्टॉक्स हैव ऑल्सो मूव्ड आउट, जिसमें कि आपको अंडरलाइंग फंडामेंटल्स आर वीक या सोचिए बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ है या जहाँ पे टर्न अराउंड होने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। सो ऐसे सारे स्टॉक्स अगर आपको मतलब मालूम है कि स्टॉक्स खराब है बट यू नो यू आर जस्ट होल्डिंग एंड यू नो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ बेटर एग्जिट पॉइंट, अगर आपको वैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है देन यू कैन यू नो सॉर्ट ऑफ लुक टू एग्जिट आउट ऑफ दो स्टॉक्स बिकॉज इफ वी बिलीव दैट यू नो मार्केट्स आर गोइंग टू डू रीजनेबली ओके देन मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो भी यू नो जैसे कहता है ना कि अब जब मार्केट बढ़ती है तो सब बढ़ते हैं, खराब स्टॉक्स भी बढ़ते हैं। सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स जो खराब स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में एंड देन यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ यू नो लुक एट एग्जिटिंग दो स्टॉक्स। टैक्स को लेकर, जैसे टैक्स को लेकर हमेशा लोगों की कुछ ना कुछ नई उम्मीदें रहती है कि इस साल के बजट में उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, तो कुछ टैक्स ब्रेक्स लेकर आ रहा है यूनियन बजट इस साल हमारे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स या कॉमन मैन के लिए? देखिए आई मीन वी कैन ओनली टॉक अबाउट आर एक्सपेक्टेशंस, फाइनली क्या आएगा नहीं आएगा दैट इज एसेंशियली इन द हैंड्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर द गवर्नमेंट, बट वी बिलीव दैट कि जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो हाउसिंग के ऊपर काफ़ी रहेगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट सम टैक्स ब्रेक्स ओवर है, जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो चाहिए 2 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, दैट लिमिट कैन बी इंक्रीज्ड, मे बी दे विल प्रॉबली इट कैन बी आइदर इंक्रीज फॉर एवरी वन और इट कैन बी ओनली इंक्रीज फॉर यू नो पीपल हु आर परचेजिंग अ न्यू प्रॉपर्टी लेट अस से फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स बिकॉज द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू बूस्ट द हाउसिंग सेक्टर बिकॉज उसका काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, दैट इज़ वन थिंग। प्लस जो थोड़े बहुत आपके लास्ट ईयर देखेगा जो गवर्नमेंट ने कुछ नया एक ऑल्टरनेटिव टैक्स मैकेनिज्म लेके आया है, टैक्स स्ट्रक्चर लेके आया है, बट नॉट टू मेनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू द टैक्स स्ट्रक्चर, यू नो इट्स ओनली पीपल हु आर अर्निंग बिलो 15 लैक्स वो लोग वो टैक्स स्ट्रक्चर में मूव किए हुए। सो मे बी वहाँ पे दे कैन डू सम टिंकरिंग सो दैट यू नो कि मोर पीपल सॉर्ट ऑफ माइग्रेट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो दे कैन कीप मेकिंग कंटिन्यूअस चेंज सो दैट इट मेक्स सेंस फॉर यू नो मोर एंड मोर पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम दैट मोर कॉम्प्लेक्स यू नो ओल्ड वाला जो सिस्टम है टू दिस न्यू सिस्टम, सो वी कैन एक्सपेक्ट सम टिंकरिंग ओवर देयर। प्लस आपका देखिएगा जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऊपर इंश्योरेंस का 25,000 रुपये का कुछ लिमिट है अभी विच इज़ अ टैक्स फ्री, दैट लिमिट कैन बी इंक्रीज की COVID-19 के बाद पीपल आर मोर अवेयर कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस या लेना चाहिए, सो दैट लिमिट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम यू नो 25,000 रुपीज़ टू मे बी 50,000 रुपीज़, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड बाई द मार्केट।
सो दीज आर थ्री और फोर प्लेसेज वेयर यू नो वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग, बिकॉज द गवर्नमेंट, हमने जैसे कहा कि ये साल भी गवर्नमेंट काफ़ी स्पेंड करने वाली, एंड वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, बिकॉज प्राइवेट केपेक्स जो है, जो प्राइवेट केपेक्स है वो थोड़ा वीक है, प्राइवेट कंपनी तो उतना खर्चा नहीं कर रहे, सो द एंटायर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो खर्चा हो रहा है, कैपिटल स्पेंडिंग, दैट इज बिंग डन बाई द गवर्नमेंट, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टैक्स रेवेन्यूज. सो दैट इज वाई वी बिलीव दैट देर आर थ्री और फोर टारगेटेड एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट आपको थोड़ा बहुत टैक्स ब्रेक्स प्रोवाइड कर सकती है. अगर हम यहाँ पर बात करें कि यूनियन बजट से ग्लोबल स्टॉक्स में या उसके इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है, यू हैव सर्टेन रिकमेंडेशन और सर्टेन व्यूज ऑन दैट? नहीं देखिए, गवर्नमेंट का वो जो लिबरलाइज स्कीम में आई थिंक यू आर अमाउंट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी विच इज आई थिंक लास्ट डेट आई वॉज $250,000 आई थिंक विच यू कैन रेमिट आउटसाइड इंडिया. सो आई थिंक फॉर मोस्ट आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ा लिमिट है, तो वी डोंट थिंक सो ओवर देयर. सी फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट्स पर्सपेक्टिव वी बिलीव, देखिए एक तो हमारा जो बजट है द बजट इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉबली एज बैड एज वॉट पीपल आर एक्सपेक्टिंग 3 months बैक, बिकॉज 3 महीना पहले लोग सोच रहे थे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कटबैक करेगा एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 8% फिजिकल डेफिसिट. अभी व्यू है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कोई कटबैक नहीं करने वाला है, करने वाली है, एंड फिजिकल डेफिसिट इज गोइंग टू बी बिलो 7% फॉर FY21, एंड फॉर FY22 पीपल आर टॉकिंग अबाउट 4.5 to 5% काइंड ऑफ अ फिजिकल डेफिसिट फिगर एंड विथ इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सो विच इज गुड. सो दैट शुड एट द मार्जिन शुड बी गुड फॉर द मार्केट्स, बिकॉज ये जो मार्केट्स में जो करेक्शन ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,000 points दैट शुड बी गुड फॉर द मार्केट्स. अदर देन दैट वी बिलीव दैट ग्लोबल मार्केट्स भी अगर आप देखिएगा तो सपोर्टिव है, आई मीन इट्स नॉट दैट दे आर करेक्टिंग, ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्टिव रहेगा बिकॉज US में अभी आपका एक और स्टिमुलस पैकेज के बारे में बात चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू रिमेन लो ग्लोबली, जो फेडरल रिजर्व है जो $3 trillion का क्वान्टिटेटिव ईजिंग किया था दे आर डूइंग मोर क्वान्टिटेटिव ईजिंग, सो ग्लोबल फैक्टर्स आर स्टिल कंड्यूसिव. वी थिंक ग्लोबल फ्लोज आर गोइंग टू माइट नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज वॉट दे वर लेट अस से लास्ट 2-3 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोज थे, हो सकता है फ्लोज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे बट फ्लोज विल जनरली रिमेन गुड, दे शुड रिमेन, वी शुड सी फ्लोज कमिंग इन एंड सो दैट शुड ऑल्सो बी सपोर्टिव ऑफ द मार्केट्स. बट यहाँ से आई फाइनली आई लीव विद दैट पॉइंट फ्रॉम आर ओवरऑल मार्केट परस्पेक्टिव कि यहाँ से लोगों को थोड़ा अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम करने पड़ेंगे. आई मीन द काइंड ऑफ रिटर्न्स विच वी सॉ फ्रॉम मार्च लो 7,500 से मार्केट ऑलमोस्ट 15,000 हो गया, आपको यू विल नॉट बी सीइंग दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स एंड नाइदर विल बी सीइंग दैट 25% काइंड ऑफ रिटर्न्स जो आपको अक्टूबर से जनवरी तक मिला है. सो मे बी वन कैन से दैट यू नो कि आपका मार्केट का जो ऊपर का जो सीलिंग है दैट हैज़ नाउ प्रोबेबली 15,000 या मे बी 14,700 15,000 लेवल्स के आसपास हो गया है एंड प्रोबेबली यू शुड सी यू नो सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन द मार्केट. जैसे वी आर ऑलरेडी एट 13,700-13,800 काइंड ऑफ लेवल, फ्रॉम हियर वी कैन बाउंस बैक, आई मीन वी कैन गो बैक टू दैट 14,700-15,000 काइंड ऑफ लेवल अगेन पोस्ट द बजट, बट बियॉन्ड दैट इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल ऑन द मार्केट्स कि वी डोंट सी यू नो कोई इमीडिएट ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ से मार्केट 15,000 जाके 16,000-17,000 चले जाए, वैसा कोई केस नहीं बन पा रहा है. सो दैट्स अ टेक ऑन द मार्केट व्हाइल वी रिमेन पॉजिटिव ऑन द मार्केट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बट अपसाइड्स आर गोइंग टू बी कैप्ड एट द यू नो इन द नियर टर्म टू प्रॉब्ली लेवल्स ऑफ अराउंड जो 14,700-15,000 काइंड ऑफ लेवल्स. मतलब बजट के बाद व्हाट आर योर व्यूज अराउंड द डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट मैनेजमेंट? ओके डाइवर्सिफिकेशन, ओके फाइन मैं समझ गया, प्रॉबेबली आप एसेट एलोकेशन के बारे में शायद आप पूछ रहे होंगे. देखिए अब एसेट एलोकेशन प्रोडोमिनेटली वो क्या होता है, वो तो आपको एक तो आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप विच स्टेज विच यू नो आप कौन से स्टेज में आपके लाइफ साइकिल में, इफ़ लाइक यू नो इफ लेट अस से यंग मिलेनियल्स हु आर लाइक यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देन फॉर देम इक्विटीज इज एसेट क्लास टू बी फॉर देम देर शुड बी यू नो probably they should remain overweight on equities. Maybe they should not remain probably a budget ke baad agar market aur rally ho jati, let us say you're at 14,700-15,000 kind of levels. Maybe it doesn't make sense for you to be like, you know, 80% or 90% in equities. But you should be like at least 60% in equities, 60-70%. And that should be a long-term allocation for the next 5 or 7 years. For let us say someone like a moderate person, like, you know, a middle-aged person like me who's in the middle of their career, हमारे लिए प्रॉबली वी विल नॉट बी यू नो 70%, वी विल प्रॉबली समवेयर इन दैट 50% काइंड ऑफ अ रेंज. एंड ऑफ कोर्स समवन अगर आपका कोई लेट अस से समवन हु अप्रोचिंग द एंड ऑफ द करियर यू नो 50 इयर्स प्लस देन दे शुड डेफिनेटली यू नो बी
invested in equities to the extent of 30-35% kind of equity allocation. Baki probably 60-70% should be there in your fixed income. So any other guidance or any other tip you want to give to the trader investor post budget apart from all these we have discussed till yet? आई थिंक आई वॉन्ट से पोस्ट बजट, आई विल से इफ यू लेट अस से, मैं तो उनको अभी बोलूंगा कि ये जो फॉर अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ट्रेडर के लिए जो मार्केट पे जो करेक्शन मिला है अभी व्हाट दिस, बिकॉज मार्केट्स काफ़ी रैली हो चुका था, प्लस एफएनओ एक्सपायरी भी थी विच टुडे गॉट ओवर. सो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई मीन इट वुड इट माइट मेक सेंस टू यू नो बाई इन टू दीज काइंड ऑफ करेक्शन एंड इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टर. फ्रॉम अ ट्रेडर ऑफकोर्स ट्रेडर शायद लेगा बजट के बाद, मार्केट थोड़ा रैली होगा हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद वो बेच देंगे. बट फ्रॉम एन इन्वेस्टर वी बिलीव दैट दिस 1000 पॉइंट्स काइंड ऑफ अ करेक्शन जो मार्केट में दिया, दिस इज अ एंट्री लेवल, गिव्स अ गुड एंट्री लेवल फॉर देम. आई मीन इट माइट नॉट बी द प्रोबेबली यू नो अ वेरी वेरी लेट अस से मार्केट्स आर नॉट स्क्रीमिंगली बहुत सस्ता है यहाँ पे, ये नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट दे आर चीपर बाई 5%, 5 और 6% देन देवर लास्ट वीक. सो दिस ऑल्सो मेक्स अ, अगर किसी को कुछ पैसे डालने हैं मार्केट में फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव, देन दे कैन ऑल्सो यू नो पुट दैट मनी इन द मार्केट पोस्ट दिस करेक्शन. यू नो ये जो अभी लास्ट हफ्ता 10 दिन में जो करेक्शन हुआ है, एंड ट्रेडर्स के लिए तो दिस इज आई बिलीव अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर देम. या सो थैंक यू ज्योति फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. हमारे व्यूअर्स के लिए और ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है अभी भी और बजट के बाद भी, जैसे कि आपने इतने यूज़फुल स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जिससे चाहकर इन्वेस्टर्स उसमें चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अंजलि फॉर हैविंग मी ऑनलाइन. थैंक यू. तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन और पोस्ट बजट के बाद शेयर मार्केट में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है. इसी तरह की जानकारी के साथ बने रहने के लिए और डिजिटल ब्लॉगर चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.